नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, तहे दिल से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। मैं हूं आपका इंडियन ट्रेनर राज। हे दोस्तों, मैं आपके लिए दूसरी खुशखबरी लेकर आया हूं। आप जानते हैं कि मोबाइल में 1G से 2G, 2G से 3G, 3G से 4G हो गया, बट एजुकेशन सिस्टम अपने देश में वही का वही है। मोबाइल कीपैड से टच स्क्रीन हो गया, पर शिक्षा के स्तर अपने देश में वही का वही है। इंजीनियरिंग एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए कई दिनों से अपने देश में डिस्कशन चल रही थी। बीच में एग्जिट एग्जाम या गेट मैंडेटरी को भी न्यूज सुनने को और पढ़ने को मिली हमें। देर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन इम्प्रूविंग क्वालिटी एजुकेशन इन आवर कंट्री। फाइनली AICT ने अच्छा स्टेप लिया है और क्लेरिफाई कर दिया है कि एग्जिट एग्जाम या गेट एग्जाम नहीं होंगे। ये पहला खुशखबरी था। मेरे हिसाब से AICT ने बहुत अच्छा कंक्लूजन लिया है। दूसरी खुशखबरी में AICT ने अच्छे रिफॉर्म्स लाए हैं, अच्छा पॉलिसी लाए हैं, जैसे पहला ओपन बुक एग्जाम, दूसरा मैंडेटरी इंटर्नशिप फॉर स्टूडेंट्स, तीसरा टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग पॉलिसी। दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटर्नशिप और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। ये तीनों टॉपिक के बारे में देश के सारे अखबारों ने अपने अपने ढंग से छापा है। AICT के इस रिफॉर्म को सबने न्यूज पब्लिश किया है। आप देख सकते हैं इस न्यूज पेपर को, जैसे दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, जागरण जोश, NDTV.com, टाइम्स ऑफ इंडिया, AICT वेबसाइट्स, और भी बहुत सारे वेबसाइट और न्यूज पेपर्स ने पब्लिश किया है। सारे न्यूज पेपर्स और ऑनलाइन वेबसाइट्स का निचोड़ आपको सिर्फ 5 मिनट की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 5 घंटे रीडिंग का निचोड़ सिर्फ 5 मिनट में बताने वाला हूँ। 5 घंटे नेट सर्फिंग का सारांश सिर्फ 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट में। देखते रहिए इस वीडियो को और अपने ज्ञान से, अपने इल्म से इस दुनिया को रोशन करते रहिए। मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको नई नई जानकारी आसान भाषा में मिलती रहे। धन्यवाद आपका। ओपन बुक एग्जाम में आप एग्जामिनेशन हॉल में बुक्स, क्लास नोट्स, सेल्फ मेड नोट्स, अदर अप्रूव्ड स्टडी मटेरियल्स ले जा सकते हैं। ये एग्जाम सारे सब्जेक्ट्स का नहीं होंगे, सिर्फ सेलेक्टेड सब्जेक्ट में ही ओपन बुक एग्जाम होंगे। जैसे सिविल में बिल्डिंग डिजाइन थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, मैकेनिकल में मशीन डिजाइनिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइनिंग, कंप्यूटर में डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। सिर्फ सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स में ही ओपन बुक एग्जाम होगा। ओपन बुक एग्जाम में कंसेप्चुअलाइज क्वेश्चंस होंगे, डायरेक्ट बुक से क्वेश्चंस नहीं होंगे, स्टूडेंट्स का कंसेप्ट चेक करने वाला क्वेश्चंस होगा। आप तो बहुत समझदार हैं और समझ के पढ़ते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ रट्टा मारने वालों को ही प्रॉब्लम होगी। ये एग्ज़ाम स्ट्रेस फ्री, प्रेशर फ्री एग्ज़ाम होगा। आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ आपको सब्जेक्ट समझ कर जाना होगा और जाकर एग्ज़ाम देना होगा। इस एग्ज़ाम से टेक्निकल कोर्स में क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आएगी। ओपन बुक एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चेक होगा, स्टूडेंट्स का कंसेप्ट चेक होगा, स्टूडेंट का थिंकिंग स्किल चेक होगा। AICT चाहती है कि स्टूडेंट सिर्फ मेमोराइज ना करें, याद ना करें, बल्कि टेक्निकल एजुकेशन में स्टूडेंट्स बहुत सारे स्किल्स सीखें, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिएटिविटी, टीम वर्क, सेमिनार्स, क्विजेस, कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी, इन्वायरमेंटल स्टडीज, एथिक्स इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन, सेफ्टी एंड क्वालिटी नॉलेज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एट्सेट्रा। AICT का ये सराहनीय कदम है। इस स्टेप से टेक्निकल एजुकेशन में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी अपने देश में। वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग एजुकेशन होगा अपने देश में। टेक्निकल एजुकेशन में इनोवेशन और क्रिएटिविटी आएगी। ए दोस्तों, मैंडेटरी इंटर्नशिप के बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत सारे डिस्कशन के बाद AICT ने कंक्लूजन लिया है और AICT ने रिकमेंड किया है BTech के लिए 600 से 700 घंटे की इंटर्नशिप जरूरी है। डिप्लोमा इंजीनियर्स पॉलिटेक्निक के लिए 450 से 500 घंटे की इंटर्नशिप जरूरी है। दूसरी वीडियो में मैं बताऊंगा कि इंटर्नशिप और ट्रेनिंग में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। AICT का इंटर्नशिप पॉलिसी को डिटेल्स में पढ़ने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं
38 पेज का पीडीएफ डॉक्यूमेंट है। AICTE ने इंटर्नशिप पॉलिसी के इंट्रोडक्शन में लिखा है कि इंटर्नशिप से स्टूडेंट्स और कॉरपोरेट दोनों को फायदे होंगे। स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप से थ्योरी को अप्लाई करने का मौका मिलेगा और कॉरपोरेट को यानी कंपनी को बेस्ट फ्रेश एम्प्लॉय खोजने में आसानी होगी। मेन एम इंटर्नशिप का है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को बढ़ाना, मतलब फ्रेश इंजीनियर्स को जल्दी नौकरी मिलेगी और पास आउट इंजीनियर्स को इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिलेगा और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा। AICTE ने टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को इंडस्ट्री को जोड़ने का प्रयास किया है कि टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्री दोनों जुड़ जाए। ये सराहनीय कदम है, बहुत अच्छा स्टेप है। टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग पॉलिसी। AICTE का कहना है कि अपने देश में टेक्निकल टीचर पोस्ट ग्रेजुएट या PhD करके टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करते हैं। अभी ज्वाइन करने से पहले कोई ट्रेनिंग नहीं होता है, अभी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होता है जो कि टेक्निकल टीचर्स को प्रिपेयर करे, टेक्निकल टीचर्स को ट्रेन करे, उनको रोल को समझाए और बेहतर टीचिंग स्टैंडर्ड को बनाए। ज़्यादातर अपने देश में टीचिंग प्रोफेशन लास्ट च्वाइस होता है। कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे बेस्ट टीचर टैलेंटेड कैंडिडेट को अट्रैक्ट कर सके और टीचिंग प्रोफेशन में रिफॉर्म्स ला सके। 14 मार्च 2017 को AICTE काउंसिल की मीटिंग हुई जिसमें एग्जाम रिफॉर्म्स, मैंडेटरी इंटर्नशिप, मैंडेटरी एक्रेडिटेशन, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, रिविजन ऑफ सिलेबस, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन इंट्रैक्शन एटसेट्रा के बारे में चर्चा हुई। कैसे टेक्निकल एजुकेशन का क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, क्या इसका इफेक्टिव मेजर्स है, इसके बारे में चर्चा हुई, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट मेजर्स, इम्पोर्टेंट स्टेप टेक्निकल टीचर का ट्रेनिंग था। जो टेक्निकल टीचर्स न्यू जॉब ज्वाइन करेंगे उनको इंडक्शन ट्रेनिंग कोर्स करना पड़ेगा, हर साल इन सर्विस ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा। टेक्निकल एजुकेशन में इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर एट्सेट्रा कोर्स आते हैं। ज़्यादा डिटेल्स में अगर आप इस टीचर ट्रेनिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में AICTE वेबसाइट का लिंक दिया है, आप लिंक पे क्लिक करके 24 पेज का PDF डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना राय AICTE के बारे में कमेंट करके बताएं। हम हैं राही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक अलविदा, गुड बाय, जय हिंद। मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको नई नई जानकारी आसान भाषा में मिलती रहे। धन्यवाद आपका।